Hi, this is Cyrus Gonda with another episode of Cyrus Leos. आज एक टॉपिक पे बारे में बात करेंगे जो हेडलाइंस में है आजकल. एक्सीडेंट्स. ये एक्सीडेंट की टॉपिक नहीं है बट इट्स रिलेटेड. वील सी. आप हाईवे पे तो जाते होंगे. यू ऑल वॉन्ट टू गो आउट ऑफ टाउन. वेकेशन है, वीकेंड है, फैमिली बोलती है, बच्चे बोलते हैं चलो किधर जाए पापा, और आप हाईवे पे निकल गए आपकी गाड़ी में, मस्त में. आप सोच रहे हैं अच्छी ड्राइव मिलेगी. आपके आगे तीनों लाइन ट्रक से ब्लॉक है. उन लोग दे आर सपोज टू बी ऑन द लेफ्ट साइड बट दे विल टेक द लेफ्ट, दे विल टेक द सेंटर, दे विल टेक द राइट. बेचारे लोग की गलती नहीं है, उन लोग को भी गाई है, उन लोग को भी किधर पहुंचना है. बट ये टॉपिक ये ट्रक्स के पीछे की साइड से रिलेटेड है. जो आप आगे हाईवे में देखेंगे आपके ट्रक्स, तीनों ट्रक पे शायद लिखा होगा हॉर्न प्लीज, और बीच में बड़ा सा लिखा होगा ओके, दो लेटर्स ओ और के, हॉर्न ओके प्लीज. मैं भी छोटा था तब सोचता था कि ये ओके क्या है. फिर किसी ने बताया ओके मतलब समझे ना, हॉर्न दीजिए आपको आगे जाना है. तो मैं बोला ठीक है ऐसा ही होगा. और लखों ट्रक देखी है हमने जिंदगी में, आपने भी देखी होगी इंडिया के हाईवेज पे. ऑलमोस्ट 99.9% ऑफ देम हैव गॉट दिस ओके. तो आपने कभी सोचा है कि ये ओके क्या हो सकता है, किसके बारे में है, उसका मीनिंग क्या है? एक बहुत बेहतरीन कहानी है इसके पीछे एंड यू विल रियली लव दिस स्टोरी. इट्स अमेजिंग. मेरे को किसी ने बताई और तब से आई हैव गॉट द आंसर एज टू व्हाट दिस ओके स्टैंड्स फॉर. इट्स अबाउट अ 70-80 ईयर ओल्ड स्टोरी. ब्रिटिश जमाने की कहानी है जब पुरानी ट्रक्स जाती थी हाईवे पे. वर्ल्ड वॉर टू की ट्रक्स थी, ब्रिटिश ट्रक्स थी. एक ब्रांड था ट्रक्स का बेडफर्ड करके, BEDFORD, बेडफर्ड ट्रक्स. और ये ट्रक्स हैवी लोड्स खींचती थी. और ये ट्रक्स वो टाइम पे पेट्रोल या डीजल पे नहीं चलती थी, ये केरोसिन पे चलती थी. उसका इंजन था वो केरोसिन का इंजन था. ऐसे देखे तो केरोसिन पे बहुत चीजें पुरानी चलती थी. मेरे गांव में एक रेफ्रिजरेटर है जो आज की तारीख में भी 5 लीटर केरोसिन डालो और इलेक्ट्रिसिटी के बगैर चलती है. सो केरोसिन वॉज अ वेरी वेरी पॉपुलर फ्यूएल एट दैट टाइम. तो ये कहानी है कि ओके क्या मतलब होता है. तो ये पुरानी ट्रक्स जो थी बेडफर्ड की ट्रक्स, उसका इंजन केरोसिन पे चलता था. और केरोसिन का इंजन जब होता है उसकी आवाज बहुत ज्यादा होती है, नॉर्मल इंजन से आवाज ज्यादा होती है. तो पीछे से कोई ओवरटेक करना चाहता है और एक छोटा हॉर्न मार दिया, ड्राइवर को शायद सुनाई नहीं देगा, ट्रक के ड्राइवर को, क्योंकि वो केरोसिन का इंजन का आवाज इतना बड़ा है. इसके लिए पीछे लिखा गया था वो ट्रक्स के ऊपर ओके, उसका मतलब है ऑन केरोसिन, दिस ट्रक इज रनिंग ऑन केरोसिन. तो पीछे वाले ड्राइवर को पता चले और वो हॉर्न जोर से मारे, उसको अगर ओवरटेक करना हो तो, क्या कि वो ट्रक के ड्राइवर हॉर्न समझ सके. तो ये है ओके का मतलब. और अभी आप भी जान गए, आप भी बहुत लोग को समझा सकते हो, मजा ले सकते हैं ये बात की. और हर बार जब ट्रक देखेंगे हाईवे पे ये वीडियो याद रखेंगे, ऑन केरोसिन. दिस इज साइरस गोंडा साइनिंग ऑफ ऑन अनदर एपिसोड ऑफ साइरस लियोस.